तो दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे मिशन ओवर मार्स एपिसोड 8। और इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे यही लगता है कि ये जो एपिसोड है ये इस वेब सीरीज का फाइनल और आखिरी एपिसोड है। तो बात करते हैं कि ये एपिसोड क्यों है खास और क्यों ये एपिसोड आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको एपिसोड 7 में देखने को मिला था कि जो रॉकेट है उसको सक्सेसफुली लॉन्च तो कर दिया गया है और वो अभी अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन अब उसको और भी लंबी दूरी तय करना है क्योंकि उसको जाना है मार्स तक। तो क्या ये जो हमारा रॉकेट है वो मार्स तक पहुंच पाएगा? क्या हम चाइना से जीत जाएंगे स्पेस रेस में या फिर हम हार जाएंगे? तो यही हमको देखने को मिलता है एपिसोड 8 में, जो कि बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एपिसोड 8। और जो भी मैंने आपको कहानी बताई, जो भी आपको देखने को मिलता है, वो तो आपको देखने को मिलता ही है, वो तो खास है ही। लेकिन इसके अलावा ये जो एपिसोड है, और भी कई वजहें हैं जिस वजह से ये एक खास एपिसोड है, और वो है इस एपिसोड का टाइटल। जी हाँ, इस एपिसोड का जो टाइटल है सुपर कंप्यूटर वर्सेस अस, यानी कि हम लोग। तो यहाँ पर ये एपिसोड हमको क्या बताने, क्या सिखाने, क्या समझाने की कोशिश करती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। क्योंकि अगर ये एपिसोड हमको क्या सिखाती है, क्या समझाती है, क्या बताती है, अगर हम वही ना समझ पाएं तो इस एपिसोड को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि भाई जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको डाउट है कि भाई सिस्टम को रिबूट कर दिया गया था या नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके वजह से हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए, और सुपर कंप्यूटर में इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है कि उतना ज़्यादा कैलकुलेशन किया जा सके, जिसके बाद में जितने भी जो साइंटिस्ट रहते हैं वो खुद से कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई मानने को तैयार नहीं है कि भाई जो सुपर कंप्यूटर है वो तो ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है, इंसान तो सुपर कंप्यूटर से ज्यादा महान हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पर कुछ वैसे ही लड़ाई, झगड़े, जद्दोजहद कुछ हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वो कोई बोल रहा है कि भाई सुपर कंप्यूटर ज्यादा दमदार है, सुपर कंप्यूटर से आप ज्यादा दिमागदार हो क्या? बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई हमने कोशिश की है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम जितना कर सकते हैं उतना ही। तो यहाँ पर इन सब के जरिए हमें एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हमें खुद पर यकीन होना चाहिए, हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमें ये बात बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए कि इंसानों ने कंप्यूटर्स बनाए हैं, सुपर कंप्यूटर्स या फिर जो भी गैजेट्स आज हम यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो जो कि आपके हाथ में होगा, तो वो इंसानों ने बनाए हैं, इंसानों ने गैजेट्स मशीन्स को बनाया, ना कि मशीन्स ने इंसानों को। तो हमें इंसान की काबिलियत, उसकी ताकत, उसकी क्षमता पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान ने ही इन सारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम देखते हैं, आज विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, वो इंसान के ही दिमाग के बदौलत, इंसान के ही मेहनत, उसके परिश्रम के बदौलत, उनकी दूर की सोच की वजह से आज ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो मुमकिन हो पाई हैं। लेकिन आज हम एक तरीके से इन्हीं सारी चीज़ों पर, ये गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, इन सारी चीज़ों पर एक तरीके से डिपेंड हो गए हैं। भाई हमको ये करना है तो ये चाहिए, सुबह उठना है तो अलार्म क्लॉक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, यानी कि हम खुद पर निर्भर ना होकर इन सारी चीज़ों पर निर्भर हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। हमें खुद पर निर्भर होना चाहिए, हमें खुद से काम करना चाहिए, मतलब जितना हो सके हमें अपने कामों को खुद से करना चाहिए और खुद पर यकीन करना चाहिए। तो ये एपिसोड भी हमें इसी तरीके का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करती है। जैसे कि हमें एपिसोड में भी देखने को मिलता है कि जो साइंटिस्ट हैं वो खुद कैलकुलेशन करते हैं अपनी तरीके से, पूरा जद्दोजहद, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और एकदम एग्जैक्ट, एकदम करेक्ट नंबर वो लेकर आते हैं, और उसके बाद किस तरीके से वो मिशन जो है उनके वजह से कामयाब होता है या फिर नहीं होता है। क्या यहाँ पर सुपर कंप्यूटर पर भरोसा करना सही था, या फिर उन्होंने जो खुद पर यकीन किया, खुद से कैलकुलेशन किया, उनको खुद पर यकीन था कि नहीं, हम जो करेंगे हमने सही किया होगा और हमें खुद पर यकीन होना चाहिए। तो क्या उनका ये जो डिसीजन है कि भाई ह्यूमन कैलकुलेशन के जरिए ही हम आगे बढ़ें, रिस्क तो भाई सभी जगह पर रहता है लेकिन रिस्क लेना तो ज़रूरी है, तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर पर इतना ज़्यादा भरोसा करना क्या यही सही साबित होगा? या फिर जो इंसान जो खुद पर भरोसा करता है, खुद पर यकीन करता है और वो खुद से करने की कोशिश कर रहा है अपनी मेहनत के दम पर, वो ये साबित करना चाहता है कि भाई हम सही हैं, हम सही कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पर कौन जीतेगा, सुपर कंप्यूटर या फिर इंसान, यानी कि हम लोग? आपको ये एपिसोड तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वैसे भी काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि भाई आपको ये एपिसोड देखना भी चाहिए या नहीं। और ऊपर से इस एपिसोड में मुझे एक बात की तसल्ली हुई कि भाई यहाँ कचरा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पूरा क्लीन एपिसोड है ये, जिसको आप देख सकते हो बिना किसी झिझक के। और इसके अलावा एपिसोड के आखिर में हमें कई सारी बातें बताई गई हैं जो कि मुझे लगता है आपको मिस नहीं करना चाहिए, उसको ज़रूर जानना चाहिए। और आखिर में मैं भी यही कहूंगा कि हमें अपने वैज्ञानिकों और इसरो पर गर्व है, जहां पर दूसरे देश जैसे चाइना, रशिया या फिर US करोड़ों अरबों रुपए, पता नहीं कितना कितना खर्च कर चुके हैं अपने मिशंस को पूरा करने के लिए, जबकि हमारा जो इसरो है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनके पास बजट भी कम होता है, रिसोर्सेज भी कम होते हैं,
फिर भी कई सारे मिशंस आप लिस्ट देख लो, कई सारे मिशंस को उन्होंने सफल करवाया है, तो भाई इससे ज़्यादा बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि भाई हमारे इसरो और हमारे वैज्ञानिकों में कितना ज़्यादा दम है, वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं अपने कामों में, कितने ज़्यादा सक्षम हैं, हमें इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। और बाकी जीवन में सफलता असफलता तो लगी रहती है, हमें इससे डरना घबराना नहीं चाहिए बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जहाँ तक दोस्तों बात रही इस एपिसोड को रेटिंग देने की, तो मैं इस एपिसोड को रेटिंग दूंगा 10 out of 10 star। बाकी अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस एपिसोड के बारे में, मुझे आप कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में फिर किसी ऐसे ही वेब सीरीज एपिसोड्स या फिर मूवी के रिव्यू के साथ में। जोहार।